अब खबरें विस्तार से। बागबेड़ा थाना में पदस्थापित महिला आरक्षी सुंदरी बोदरा के इलाज के क्रम में शनिवार को निधन हो गया। सुंदरी बोदरा बागबेड़ा थाना में पदस्थापित थी और कुछ समय से अस्वस्थ चल रही थी। उसका इलाज मर्सी अस्पताल में चल रहा था। शनिवार को इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। पुलिस लाइन में शव को सलामी दी गई। एसएसपी अनुप टी मैथ्यूज ने इसे दुखद बताया। ऐसा ही जो बागबाड़ा थाना में प्रतिदिन थे, काफी दिन से बीमार था और इलाज चल रहा था। जमशेदपुर में इलाज चल रहा था, गढ़वा का रहने वाला था। अभी उनका अभी देहांत हो गया है और काफी दुखद है। उसमें हम लोग अभी इधर सलामी दिया है पुलिस लाइन में, जमशेदपुर पुलिस लाइन में, और परिजन को डटबुटे भी सौंप दिया। डिमना रोड में शनिवार की सुबह एक शव मिलने से सनसनी फैल गई। बाद में शव की शिनाख्त बिहार के रहने वाले व्यक्ति के रूप में की गई। शनिवार की सुबह दैनिक जागरण के समीप एक 50 वर्षीय व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को जब्त किया। उसकी जेब से निकले पहचान पत्र के अनुसार उसकी पहचान बिहार के रहने वाले बिस्मिल्ला सिद्दीकी के रूप में की गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नहीं ले जा रहा था कि जर्मा की गाड़ी आई, तब ले जाकर हमने कहा कि अगर कोई अमीर मरेगा तो जमवाड़ा लगेगा और गरीब मरेगा तो लोग प्रदस्ती के रूप में देखेंगे। हमने उस शव को उठाकर जो पीसीआर का सफारी स्ट्रॉन्ग मिला है उस गाड़ी में हमने लोड किया और उसे एमजीएम अस्पताल में भेजा। जानकारी में उसका मोबाइल मिला है, उसका बैग मिला है। प्रशासन उसके मोबाइल से उसके परिवार वाले को फोन किया है। देखने से क्या लग रहा था, मतलब कैसा? देखने से लग रहा था कि वो नशा के शिकार होकर मृत हो गया। दूसरी ओर मानगो ट्रांसपोर्ट नगर में भी एक ट्रक चालक का शव बरामद हुआ। तमिलनाडु के रहने वाले के कोकिनल पेशे से ट्रक चालक था और संभवतः वे पक्षघात के शिकार हुए हैं। बैंकों की छुट्टियों के दूसरे ही दिन शहर के अधिकांश एटीएम आउट ऑफ कैश हो चुके हैं। लोगों को काफी परेशान देखा गया। मालूम हो कि होली, फोर्थ सैटरडे, गुड फ्राइडे के मद्देनजर बैंकों में छुट्टियां चल रही हैं। चार दिनों की छुट्टियों के बाद अब सोमवार से सभी बैंकों में कामकाज आरंभ होगा। छुट्टियों से पूर्व बैंकों द्वारा एटीएम में कैश पर्याप्त रखने का वायदा भी किया गया था, पर छुट्टियों के दूसरे ही दिन शहर के अधिकांश बैंकों के एटीएम आउट ऑफ कैश हो चुके हैं। लोग काफी परेशान दिखे। नकद निकासी का असफल प्रयास कर रहे कुछ लोगों से हमारे संवाददाता ने बातचीत की। परेशानी यही हो रही है, बैंक दुनिया भर का है लेकिन कोई फायदा नहीं है। हम लोग जाते हैं हर एटीएम, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, लेकिन पैसा ही नहीं है। चार दिन का होली का लेकर के बंद है लेकिन एटीएम में पैसा नहीं है। बैंक ये दिक्कत, इतना दिक्कत, किसी को देना और ऊपर के लिए कोई साधन निकालिए। ठीक है, हम लोग एटीएम पैसा नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है, एकदम नहीं मिल रहा है भाई, एकदम नहीं मिल। हम लोग मिलना जी, कहीं पैसा नहीं मिल रहा है, कहीं पैसा नहीं मिल रहा है। होली का छुट्टी है, एटीएम में पैसा नहीं है, बंद है। बताइए परिवार कैसे चलेगा, पैसा नहीं रहेगा एटीएम में, पैसा नहीं है। अभी बताइए कैसे चलेगा, पैसा नहीं है एटीएम में। नहीं है पैसा, नहीं है एटीएम तो बंद कर दिया, तो पैसा कैसे निकलेगा? बंद है एटीएम, एटीएम तो बंद है। प्रधानमंत्री के शहर में होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव शनिवार को शहर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नगर आगमन आगामी 24 अप्रैल को होना है। पंचायती राज दिवस के मौके पर वे स्थानीय जीआरडी टाटा कॉम्प्लेक्स में आम जनता को संबोधित करेंगे। शनिवार को ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव एमएन सिन्हा शहर पहुंचे। उन्होंने आयोजन स्थल जाकर घूम घूम कर तैयारियों का जायजा लिया। उपायुक्त डॉक्टर अमिताभ कौशल ने उन्हें तैयारियों की जानकारी दी। मालूम हो कि कार्यक्रम के 10 दिन पूर्व आयोजन स्थल एसपीजी को सुपुर्द हो जाएगा। देख ले।
हेलो। अब आप ये बताइए कि इसमें जो आपके सीट्स लगे हैं उसके पैसे कितनी है? राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाने वाला है, तो उसके संबंध में कैसे व्यवस्था होगी स्टेडियम में, उसी के संबंध में चर्चा करने के लिए हम यहाँ आए हैं। अब तक की जांच में जो निरीक्षण आपने किया, कितने सर्टिफिकेशन हुए हैं? अभी तो हम लोग व्यवस्था प्लान कर रहे हैं, स्टेडियम का स्ट्रक्चर देख के तो प्लानिंग ही चल रही है, सेटिस्फैक्शन की बात बाद में आएगी ना, पहले कैसे प्लानिंग की जाएगी जिससे कि हम लोग यहाँ पे स्टेडियम का स्ट्रक्चर इंटैक्ट रखते हुए उन लोगों को अकोमोडेट कर सकें, उनके बैठने की, उनके यहाँ पे स्पीच ठीक ठीक सुनने की, वीआईपी द्वारा स्पीच ठीक से डिलीवर करने की, वीआईपी के आने की, लोगों के आने जाने की, इन सब चीज़ों की कैसे प्रॉपर व्यवस्था हो इसके संबंध में हम लोगों ने एक राउंड चर्चा की है, बट ये प्रारंभिक चर्चा है या फिर आगे बढ़ेगी। पूर्व सीएम एवं प्रतिपक्ष के नेता हेमंत सोरेन ने कहा कि वर्तमान सरकार सिर्फ घोषणाओं की सरकार है। वे स्थानीय परिसदन में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। पूर्व सीएम एवं प्रतिपक्ष के नेता हेमंत सोरेन ने अपने शहर प्रवास के दौरान राज्य सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने रघुवर सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सिर्फ घोषणाओं से जनता का पेट नहीं भरता। उन्होंने स्थानीयता की नीति पर भी राज्य सरकार को आगे हाथों लिया। इस दरमियान पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने परिसदन में जाकर हेमंत सोरेन से मुलाकात की। आइए जानते हैं हेमंत सोरेन ने मीडिया के सवालों पर क्या कहा। माननीय प्रधानमंत्री जी की बातें आती है तो वो 2000 के बाद ही ये, अभी 2020 के बाद ही सभी चीजें उनको, उनका वादा चल रहा है कि हर चीजें मिलेंगी 2020 के बाद ही आपको मिल सकता है। उससे पहले करती है तो सरकार इस पर अपना रुख स्पष्ट करे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से 1.5 सालों तक इस राज्य के आदिवासी मूलवासियों के साथ और उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, कभी 6 महीने में, कभी 3 महीने में, कभी 15 दिनों में, कभी 20 दिनों में, मुझे लगता है कि अपनी बयानों से वो आज अनगिनतों पर वो मुकर चुके हैं। अब और इससे यहाँ पर जो रोजगार पाने का अवसर है नौकरियों में यहाँ के नौजवानों को, विशेषकर इस पर उनको उनको प्रभावित कर रहा है और विशेषकर यहाँ के मूलवासियों पर, और आज वो मूलवासी अपने आप को ठगे ठगे महसूस कर रहे हैं। की क्या है? तक प्रारूप तैयार कर दिया है, वो लगभग हमारे थाने स्टेज में स्थिति थी, समय मिला होता तो शायद आज स्थानीय नीति मौजूद। तो यहाँ पर किसान है, वो किसानों में अब कमी आ रही है, बल्कि किसान मजदूर बन रहे हैं, उसमें प्रतिशत की बढ़ोतरी हो रही है। सरकार को इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। आज जो किसान है, आप किसान को कोई राहत नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो किसान आज मजदूर बनने की स्थिति में आ गया है। तरीके से व्यवहार कर रही है इस राज्य के साथ, वो इस राज्य के लिए मुझे लगता है कि 14 वर्षों में अभूतपूर्व कहा जा सकता है। ऐसा सरकार और इस तरीके के कार्यकलाप इन 14 वर्षों में कभी किसी ने नहीं देखा होगा। पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र द्वारा 27 से 29 मार्च तक जीटाउन मैदान में जनजाति उत्सव मनाया जाएगा। पूर्वी क्षेत्र यानी बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, असम आदि से जनजातीय समुदाय के लोगों के लिए आयोजित इस सांस्कृतिक मेले में सैकड़ों कलाकार भाग लेंगे और 27 से 29 मार्च तक बिष्टुपुर स्थित जीटाउन मैदान में संस्कृति की बयार बहेगी। आयोजक अमिताभ चौधरी ने बताया कि पहली बार ऐसे कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है जिसके तहत शहर विभिन्न राज्यों की संस्कृति को हम एक मंच पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। कल्चर सेंटर जो पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है, उनके द्वारा तो बराबर उनको रिक्वेस्ट करते ही थे। इस बार टाटा पहली बार हो रहा है या फिर पहली बार? इसके पहले कहाँ हुआ था? ये लगातार सुचित्रपुरा में हुआ, अभी शांतिनिकेतन में हुआ, और इस ये 27-28-29 जमशेदपुर में होगा और 28 तारीख ये होगा राजनगर में, 29 तारीख चैबस। देश भर के जितने भी जनजाति, देश भर नहीं, पूर्वी क्षेत्र के
जितने भी आदिवासी ग्रुप्स हैं, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा, ये पूरा एरिया का जितने भी आदिवासी डांस ग्रुप्स हैं, इनके जो कला को दिखाने के लिए, माने इनको बोला जाता है राष्ट्रीय स्टेज देना, ताकि वो उभर के सामने आए और वो दूसरे दूसरे ग्रुप से वार्तालाप करें और इनके जो बेहतरीन ग्रुप है उसको केंद्रीय स्तर में भी ले जाया जाए। इसमें इसमें कार्यक्रम में क्या उनका द्वारा सांस्कृतिक आया जो, हाँ पूरा उनके जो डांस है वो दिखाए जाएंगे, दिन में वो लोग वर्कशॉप भी करेंगे, यहाँ के लोगों को दिखाएंगे कैसे वो लोग प्रैक्टिस करते हैं, किस पर्व के साथ इसका रिलेशन है। उनके करीब 7 से 8 बहुत प्रमुख नेशनल अवार्ड भी आ रहे हैं।